राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह आज मिशन इंटर कॉलेज में वोट डालने आए, जहां वो काफी उत्साहित नजर आए। उनसे पब्लिक टीवी ने बातचीत की। बातचीत के दौरान राज्य मंत्री ने बताया कि विकास के मुद्दे पर भाजपा नगर निगम चुनाव लड़ रही है और पूरी आशा है कि पिछली बार से काफी ज्यादा सकारात्मक परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, जिसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, इसलिए राजनीतिक समीकरण भाजपा के पथ में रहेगा। उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण के निकाय चुनाव के मतदान जारी है और मुरादाबाद में भी लोग बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। उनका मानना है कि इससे सरकार तो नहीं बदलेगी, मगर उनके क्षेत्र और उनके शहर का नक्शा जरूर बदलेगा। आपको दिखाएंगे हम आज कितने प्रतिशत मतदान रहेगा और कितने लोग मतदान में बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा लेंगे। तीसरे चरण का मतदान निकाय चुनाव को लेकर मुरादाबाद में भी चल रहा है और इसी बीच में जो है भूपेंद्र चौधरी जी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने भी वोट डाला, बात करना चाहेंगे उनसे। हाँ सर, आपने भी वोट डाला है, किन मुद्दों पर आपने वोट डाला है, क्या आपके? भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताओं में विकास है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, ये सब भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों के साथ चुनाव हम लोग लड़ते रहे हैं और विकास हमारी प्राथमिकताओं में, इसी आधार पर हम लोगों ने लोकसभा विधानसभा के चुनाव मुद्दों के साथ लड़े थे और नगरीय क्षेत्रों में भी इन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमें आशा है कि पूर्व की भांति नगरीय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा अच्छे राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में रहे हैं। इस बार भी जनता हमारे साथ है और निश्चित रूप से अधिकांश नगर पालिका नगर निगमों में सभासद, मेयर, चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित हैं। सर, 2019 का भी चुनाव आ रहा है, इसके बाद में किस तरह से आप देखते हैं कि आगे क्या इसका रिजल्ट जो है वो आगे डिपेंड होगा? 2014 में हम लोगों ने जो अपने संकल्प पत्र में बातें कही थी, उसमें उन प्राथमिकताओं के आधार पर हमने काम किया है। भ्रष्टाचार मुक्त, अराजकता से मुक्त प्रदेश, देश की बात हम लोगों ने कही थी और सरकार उन प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जो देश में पूरे काम किया है, पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, उन इशू को लेकर हम 2019 के चुनाव में जाएंगे। अभी नगर निकाय का चुनाव है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, ये एजेंडे। सर, क्या लगता है आपको कितनी सीटें निकाय चुनाव में आपके पास? मुझे लगता है अधिकांश मेयर, सभासद, चेयरमैन, ये सब भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। अधिकांश में पूर्व में भी अच्छे राजनीतिक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेंगे। पहले हम 12 नगर निगम मेयरों में से 10 हमारे भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित होकर गए थे, मुझे आशा उससे बढ़ोतरी है। हाँ सर, योगी सरकार बनने के बाद में ये पहला चुनाव चल रहा है, तो क्या आप ये मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं योगी जी की भी परीक्षा है, क्योंकि 2 दिन पहले योगी जी भी होकर गए हैं यहाँ पर? सरकार, हम लोग नगर निकाय चुनावों को, किसी भी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लड़ती है। पूर्व में भी हम नगर निकाय को चुनाव अपने सिंबल से लड़ते रहे हैं और हमारे राजनेता बड़े हमेशा प्रचार में लगे हैं, गंभीरता से लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सभी नगर निगमों में प्रचार के लिए गए हैं, मुरादाबाद में भी आए हैं, जनता का उन्हें स्नेह और समर्थन मिला है, बड़ी सभा उनकी हुई, अधिकांश बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने पहुँचे हैं और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति और अपने संगठन के बल पर इस चुनाव को जीतेंगे। लोकतंत्र हमें बड़ा अवसर है और इस अवसर का लाभ हमें उठाना चाहिए और अधिकांश प्रतिशत मत का बढ़ाना चाहिए। सब लोग घर से निकल के अपना वोट डालें और अपनी राय व्यक्त करें। आने वाले 5 साल में किस प्रकार उन्हें अपने जनप्रतिनिधि का चयन करना है, इसी आधार पर वो मतदान करें और घरों से निकलें, मेरा यही है। ये तो पंचायती राज मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना होगा कि किस तरह से मतदान की प्रतिशत यहाँ पर हाईएस्ट रहेगी, कितने प्रतिशत मतदान मतदाता अपना मतदाता उपयोग करेंगे। अपने सहयोगी साथ आज पंडित इंडिया।